नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने हिंदुत्व के कार्य को देखकर महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी अर्जुन गिर्ज दी। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया, अर्जुन गिर्ज बरसों से हिंदुत्व के प्रति जागृत है, समय समय पर हिंदुत्व के प्रति सदैव खड़े रहते हैं और एक अच्छे लीडर होने के नाते मैंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ द्वारा अर्जुन गिर्ज को महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। अर्जुन गिर्ज ने प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार जी का धन्यवाद देते हुए और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। सभी ने साफा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और सभी आगरा महानगर के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया, मैं सिर्फ हिंदुत्व के कार्य के लिए सदैव तत्पर खड़ा हूँ। हिंदुत्व के कार्य में बाधा डालने वाले लोगों के प्रति नाराजगी जताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। एक फोटो लेकर काम करवा रहा हूँ, ये गाड़ी किसकी है? फोटो भी खींच दिया, वीडियो भी बना रहा हूँ। हाँ, एक जेक आ रहा है वीडियो के लिए। सभी पहले आ जा, इधर ही हो जा। तू इधर, तुम निकल जा, वीडियो बना। मेरा नाम सुमित कटियार है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज की कार्यकारिणी का क्या गठन रहा? आज बैठक के अंदर समस्त जो है हमारे हिंदू वीरों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव में अर्जुन गिरिज को महानगर अध्यक्ष के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया। कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए, और अर्जुन गिरिज लगभग 3 वर्ष से संगठन में काम कर रहे हैं, लगातार हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, उनकी सक्रियता को देखते हुए आज इनको महानगर अध्यक्ष जो है सभी कार्यकर्ताओं के कहने से और हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों के समर्थन से उनको आज महानगर का अध्यक्ष के लिए उनको दायित्व दिया गया। मेरा नाम अर्जुन गिरिज है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ से, आज मुझे प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुमित कटियार जी ने सभी की महानगर की सभी की सहमति से, सभी कार्यकर्ताओं की से आज मुझे प्रदेश के अध्यक्ष सुमित कटियार जी ने मुझे आज महानगर आगरा महानगर की महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाऊँगा और एक एक पदाधिकारियों का, एक एक कार्यकर्ताओं का हिंदुत्व के लिए जो हिंदुत्व को एक एक को जोड़ने का कार्य करूँगा। ज़्यादातर जो हिंदू भटका हुआ है, अपनी दिशा से भटका हुआ है, उसको एकत्रित करने का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ करेगा। बहुत बहुत बधाई आदरणीय नेताजी, आप आशा करते हैं हम आपसे कि आप इस प्रदेश की और इस महानगर की भागदौड़ को जिम्मेदारी से निभाएंगे और आगे भी जो आपने संघर्ष किया आगे भी आप करते रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।